हेलो एवरीवन, आज हमारी लेडीज टीम जा रही है इवनिंग वॉक के लिए और नीता गुप्ता दो बच्चे भी हैं। हाँ भाभी जी, आज आपको नया चेहरा देखने को मिल रहा है भाभी जी का, और हमारे बच्चे जा रहे हैं आगे आगे हमें लीड करते हुए। तो अभी टाइम हो रहा है 6-7 बज गए हैं, देखते हैं 1 घंटा तो लगभग घूम के आएंगे ही हम लोग। और अभी मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा औसम, क्योंकि अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और लग रहा है कहीं बारिश हुई है, शायद इसीलिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं श्याम मंदिर में, बिकॉज श्याम मंदिर हम जहाँ वॉकिंग करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में ही आता है, इसीलिए हम लोग सोचे चलो मंदिर के में भी दर्शन करके आ जाते हैं। इसलिए हम लोग मंदिर में आए और अभी इधर चल रही है किंस की मस्ती अपनी दीदियों के साथ में। मंदिर जो बहुत ही प्यारा मंदिर है और यहाँ पे जो मारवाड़ी लोग रहते हैं उन्होंने बनाया है मंदिर, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है सब चीज़ें और इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए हुए, बहुत अच्छा लगता है मंदिर। यहाँ पर हम लोग कई बार आ चुके हैं। किंसु आओ, और थोड़ा सा बाहर का भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से है बाहर से। यहाँ पर बच्चों को प्रसाद के रूप में टॉफी दी जाती है और बड़ों को मिश्री का प्रसाद दिया जाता है। कहाँ है? नहीं नहीं कड़ी पत्ता नहीं है, ये नीम का ही पेड़ है। ये आपके पीछे हो सकता है, ये देखो ये किसका पेड़ है, ये अजवाइन का पेड़ है। देखो ये अजवाइन का पेड़ है, अजवाइन का। एक बार पत्ते का स्मेल देख लो आप। मेरा इस साइड है जूता, रुक जाओ किंसु, सूज पहनने दो मम्मा को। ये है श्याम मंदिर का ग्राउंड एरिया, और अब देखो खुश हो गए आप खेल रहे हैं। ये श्याम आश्रय है, यहाँ पर आश्रम भी बना हुआ है 2-3 कमरों का। तू रुक जाओ, पता नहीं देखो उधर चलेंगे क्या वापस। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और अभी हमें हो गया 1.25 घंटा, तो मैं थोड़ी देर आंटी से बातें कर लेती हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स पाने के बाद फिर मैं जाऊँगी घर। उधर सामने मेरा घर है, उधर पब्ली बैठी हुई है, ये हमारी आंटी है। तो फिलहाल आ रही है संबलपुर में बहुत ज़्यादा बारिश, तो मैं और किंसु बारिश के मज़े ले रहे हैं। किंसु आया था वैसे बारिश में, तो ये अंदर नहीं जा रहा है, तो मैं भी इसके साथ साथ बैठ गई हूँ बालकनी में। और आज बहुत अच्छी बारिश हुई है और मोटरस किया है मैंने बांधी हुई है किंसु के लिए, क्योंकि किंसु यहाँ पर अधिकतर बाहर आ जाता है और यहाँ पर खड़ा रहता है तो डर लगता है कि कभी इसका पैर फिसल जाए और ये नीचे ना निकल जाए, इसीलिए तो अच्छा लग रहा है। हम दोनों को हाथी गए हुए हैं ड्यूटी पर, तो हम दोनों माँ बेटियों को अंदर जाने का मन नहीं करा, बिकॉज लाइट भी नहीं आ रही है और अंदर अकेले बैठे बैठे क्या करें, पूरा काम मैंने ख़त्म कर लिया, अभी कुछ काम भी नहीं है, इसीलिए हम लोग अभी बैठे हुए हैं बाहर। देखते हैं जब लाइट आ जाएगी तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर दिया बत्ती जब पूजा पाठ करनी होगी तो उस टाइम पे तो जाएंगे ही हम लोग। और अभी ज़्यादा अंधेरा तो नहीं हुआ, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा अंधेरा लग रहा है, बल्कि अभी तो 5 ही बजा है। देख कैसे कर रहा है, देखो कैसे करता है गंदा लड़का, इसकी हरकतें देखो, इसकी हरकतें देखो कैसे करता है ये। कहाँ क्या है ये? बब्बी का है, ये बब्बी का है। अब चलो बरसा पानी आ रहा है।